हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम रविंदर और भाई स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं वेन्यू के अंदर अभी कुछ जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं उसके बारे में, जैसे कि एयरबैग्स हो गए और एक दो इंजन में भी चेंजेस हुए हैं कुछ पॉइंट, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और ये हमारे पास जो सामने मॉडल है SX मॉडल है, इसके अंदर अभी हुंडई ने लेटेस्ट, अभी यानी कि हम फरवरी में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, फरवरी के अंदर अभी हुंडई ने क्या क्या इस गाड़ी के अंदर चेंज किए हैं, चाहे वो सेफ्टी से हो या फीचर वाइज हो या फिर टेक्निकल एक्सटीरियर जो भी है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ना मत बोलना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो भाई फ्रंट से ये गाड़ी बिल्कुल सेम होने वाली है, कहीं पे भी कोई फीचर्स का इसमें कोई भी कैसा भी एक्सटीरियर में कोई चेंजेस नहीं किया गया। सेम फ्रंट की ग्रिल रहने वाली है आपकी, हुंडई का लोगो क्रोम का है, उसके बाद आपकी प्रोजेक्टर प्लस कॉर्निंग लाइट प्लस DRL लाइट आपको इसमें यहां मिलने वाली है, इंडिकेटर आपके ऊपर मिलने वाले हैं, उसके बाद फॉग लैंप का ऑप्शन जैसे कि पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, तो फॉग लैंप का ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। तो भाई अभी दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन की। इंजन आपको सेम मिलने वाला है 1.2 लीटर पेट्रोल का 4 सिलेंडर के साथ, इसमें जो पहले ही पावर और टॉर्क आता था सेम वही रहने वाला है, कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं किया गया है। बस इसको अपडेट कर दिया गया है BS6 नॉर्म RDE के तहत, जो भी इसमें चेंजेस होने थे वो कंपनी ने बिल्कुल इसके अंदर अपडेट कर दिए हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ, वहां पे देखते हैं हमें क्या कुछ गाड़ी के अंदर चेंज मिलता है, उसके बाद चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर में, तो वहाँ भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाड़ी का टायर, उसमें भी हमें SX मॉडल के अंदर जो टायर साइज मिलता है वो आपका जो टायर साइज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमें इस गाड़ी के अंदर जो टायर साइज मिलता है 15 इंच का मिलता है, जिसकी प्रोफाइल है 195/65R 15 इंच की। और दोस्तों इसमें जो चेंजेस आपको क्या देखने के लिए मिलता है, जो पहले आप ये व्हील कवर का देख रहे हो, व्हील कवर में जो कलर आता था पहले ये व्हाइट कलर के अंदर आता था, अभी इसमें ना इस ब्लैक नहीं कह सकते, थोड़ा सा ग्रेइश कलर में इसको पेंट कर दिया है, और जो स्टेपनी है अंदर की उसका ब्लैक कलर कर दिया है। तो ये चीज़ें आपकी नई आ गया है, इसमें व्हील का जो कलर है वो चेंजेस हो गया है हुंडई के लोगों के साथ, ये चीज़ आपको नई चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जिस भी वेन्यू में आपको ये कलर दिखे समझ लीजिए वो इंजन के साथ अपडेटेड मॉडल है। उसके बाद दोस्तों जो इंडिकेटर है आपके मिरर्स पे मिलते हैं, वो दोनों जो मिरर्स है ये आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल प्लस एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये कुछ गाड़ी का साइड प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल में कहीं से भी कोई हाइट वगैरह में कैसे भी कोई चेंजेस इसमें नहीं किया गया है, सब कुछ सिमिलर जो आपको सारी चीज़ें देखने के लिए इसमें मिल जाती है। उसके बाद भाई रूफ रेल्स आपको कंपनी फिटेड देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में, और इसमें जैसे कि पुश बटन स्टार्ट है तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है, बाकी मैनुअल की से भी ओपन कर सकते हो। बाकी साइड ग्लाइडिंग में थोड़ा सा SUV का प्रॉपर फील इस गाड़ी में देखने के लिए आपको मिल जाता है। बाकी ये जो आप ग्रेस कलर यानी कि ब्लैक कलर में करे हैं, इससे लुक अच्छी लग रही है या पहले वाली में अच्छी लग रही थी, तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना हमें। अभी दोस्तों एक बार गाड़ी का रियर प्रोफाइल और देख लेते हैं, रियर से हमें कैसा कुछ क्या लुक देखने के लिए मिलता है गाड़ी में। तो दोस्तों ये है कार का रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में भाई आपको जो टेल लाइट है वो आपको LED में देखने के लिए मिल जाती है, और पूरी ही कनेक्टिंग लाइट आपको LED के साथ देखने के लिए मिलती है। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको ये कनेक्टिंग लाइट देखने के लिए मिलती है, काफ़ी अच्छा लुक इससे आता है। और ये जो LED बल्ब्स देख रहे हो ये भी आपके विजिबल होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये प्रॉपर लुक है रियर का, काफ़ी अच्छा और मस्कुलर सा लुक इसमें दे रखा है, चेंजेस कुछ नहीं किए गए हैं। उसके बाद भाई शार्प फिन एंटीनेस में मिल जाता है, डिफोगर मिलते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलती है देखने के लिए, और ये जो आप कलर देख रहे हो ये ग्लोसी फिनिश के अंदर ब्लैक कलर में अंदर दे रखा है, और ये आपका रफ बिल्कुल का यूज़ कर रखा है। पार्किंग सेंसर के पॉइंट मिलते हैं, कैमरा भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, बाकी 360 व्यू कैमरा का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर नहीं है। पीछे वाला जो बम्पर है वो भी ग्रेस कलर में दे रखा है, जिससे लुक थोड़ा सा गाड़ी का और अच्छा हमें देखने के लिए मिल जाता है। अभी दोस्तों चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, वहाँ भी देखते हैं क्या कुछ फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इंटीरियर में जाने से पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और चैनल पर भाई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आ सके। तो भाई अभी बात करते हैं पैसेंजर सीट के बारे में और रियर सीट के बारे में। अभी रियर सीट में देखो दोस्तों अगर हम देख लेते हैं क्या कुछ हमें स्पेस मिलता है, थाई सपोर्ट कितनी मिलती है, तो काफ़ी अच्छी थाई सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी के अंदर, और 3 पैसेंजर आराम से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। बाकी जो कलर ऑप्शन होने वाले हैं इसके ब्लैक और बेज का ऑप्शन हमें मिलने वाला है पूरी कार के अंदर, और रियर AC का वेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है, 2 USB पोर्ट भी मिल जाते हैं हमें रियर AC वेंट पे फ़ोन को चार्जिंग करने के लिए। काफ़ी लेग रूम वगैरह काफ़ी अच्छा स्पेस हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, कहीं पे भी कोई फील नहीं होता हमें। पूरी गाड़ी के अंदर 2 कैबिन लाइट देखने के लिए मिल जाती है, एक यहाँ पर और 2 फ्रंट पे, यानी कि 3 टोटल कैबिन लाइट हमें देखने के लिए मिल जाती है, सॉरी मैंने 2 बोला। उसके बाद आपका डोर हैंडल वगैरह सब कुछ यहाँ सेम देखने के लिए मिलते हैं, और जो ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो हेडरेस्ट है, देखो यहाँ पर कार कुछ शेप में ऐसे गया है वहाँ पर सिमिलर है, और यहाँ जाकर थोड़ा सा ऊँचा हो जाता है ताकि जो हमें हेडरेस्ट गाड़ी का अच्छा मिल सके। अभी दोस्तों चलते हैं एक बार गाड़ी के फ्रंट ड्राइवर सीट पर, देखते हैं हमें क्या कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर। तो भाई सेफ्टी वाइज बात करें ना, तो भाई एयरबैग गाड़ी के अंदर
इसके अंदर सीट के अंदर भी एयरबैग अभी दे दिए हैं गाड़ी के अंदर, ये देखो, यानी कि दो फ्रंट पे पहले आते ही थे, अभी सीट पे भी आ गए, टोटल चार एयरबैग हमें इस गाड़ी के अंदर मिलने लग गए हैं। तो दोस्तों ये है कार का इंटीरियर। इंटीरियर में बात करें भाई म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक सिस्टम आपको टच स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाता है, जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, मैंने पर्सनली यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा इसमें आपको टच रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और इसमें बहुत से अच्छे सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे मैप, नेविगेशन, फ़ोन वगैरह, क्लाइमेट, आप यहाँ से ऑटो यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, है ना, ये भी काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। कैमरा की डिस्प्ले भी आपको इसी में शो होगी, जैसे आप रिवर्स करोगे तो यहाँ पर आपको कैमरा की डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें ऑटो क्लाइमेट एसी आपको देखने के लिए मिलता है, वायरलेस चार्जर आपको देखने के लिए मिलती है, दो आपको स्मार्ट की देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी के अंदर, पुश बटन स्टार्ट है क्योंकि इसके अंदर, दो कप होल्डर मिलते हैं, आर्म रेस्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच आपको देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर एक डिसेंट सा स्पेस भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब सबसे जरूरी जो मेन फीचर है गाड़ी के अंदर, बाकी ब्लू लिंक का ऑप्शन इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आप लोकेशन वगैरह सब कुछ अपनी गाड़ी की चेक कर सकते हो, बाकी SOS इमरजेंसी का फीचर है, जो भी आप कॉन्टैक्ट वगैरह देते हो वहाँ के पास मैसेज पहुँच जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके साथ। यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स में भी कोल्ड कूलिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर भी कुछ स्पेस देखने के लिए मिल जाता है आपको। उसके बाद भाई उसके बाद जो आपके ड्राइव दोनों मिरर मिलते हैं वो आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल प्लस एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाते हैं, उनके स्विच बटन यहाँ पर है, चारों पावर विंडो, पुश बटन स्टार्ट आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद भाई बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग पे वॉइस रिकॉग्निशन का बटन आपको देखने को मिलता है, ये और यहीं से रिसीव कर सकते हो आप, यहाँ से कट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है, पूरी डिजिटल देखने के लिए मिलती है, बीच में छोटी सी डिस्प्ले एक और मिलती है जिसपे आपको सारी टेक्निकल चीज़ें की या कोई क्लस्टर की सेटिंग के बटन वगैरह सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसमें टायर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको अवेलेबल मिलता है देखने के लिए, टायर प्रेशर भी चेक कर सकते हो। गियर नोब में आपको पूरा क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है, और यहाँ पर देखो आप ब्लैक इंटीरियर में ब्लैक बेज और आपको यहाँ पर सिल्वर कलर की फिनिशिंग कर रखी है, जिससे देखने में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा लुक आपको देखने के लिए गाड़ी में मिल जाता है। अभी मेन है भाई सनरूफ, यहाँ पर आपको सनरूफ भी गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है, ये जो शेड आपको हाथ से ही बंद करना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली सनरूफ आपका ओपन हो जाता है। बाकी तो ये कुछ विजिबिलिटी आपको मिलती है सनरूफ के बाहर जो मिरर ओपन होता है, और यहीं से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ये ऑटो क्लोज आपका हो जाता है, शेड आपको हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। दोनों डोर्स में आपको 1 लीटर पानी की बोतल आपको देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट पे, और रियर पे भी आपको पानी की बोतल देखने के लिए मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर आपको चारों डोर्स में मिलते हैं, प्लस में दो कंपोनेंट भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो भाई आपको टिल्ट स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको देखने के लिए नहीं मिलता है गाड़ी के अंदर। बात करें भाई हेडरेस्ट की, तो ड्राइवर सीट की जो हेडरेस्ट है वो आपको दोनों एडजस्टेबल मिलती है, बाकी रियर में भी आपको दोनों जो हेडरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाती है। रियर में पार्सल ट्रे भी आपको देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से था कार का बैकग्राउंड वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।